रूही ने सिखाया कि सच्चा प्यार सिर्फ सुंदरता से नहीं मन से की जाती है। अपने प्यार के लिए नौकरानी बनकर रहने को तैयार है रूही। नाहर बेचैन है रूही को देखकर, लेकिन कुछ समझा नहीं सकता। मन सुंदर नाहर बहाना बना रहा है कि उसका याददाश्त जा चुका है। अग्नि खुश होकर नाहर से शादी करने का सपना देख रही है। इधर रूही का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। दादी रूही को घर से जाने को कहती है। इधर डॉक्टर को घर वाले बुलाते हैं, नाहर का रिपोर्ट दिखाते हैं। डॉक्टर को नाहर पहले ही समझा दिया है, हमारे परिवार वालों को कुछ मत बताइएगा कि मैं ठीक हूँ, नहीं तो रूही के जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर ठीक उसी तरह नाहर का काम करता है। नाहर रूही के सामने बुरा व्यवहार करता है ताकि अग्नि को अच्छा लगे, वह रूही और हमारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। इधर रूही दादी से विनती करती है, नाहर जी मुझे नहीं पहचान रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम नाहर जी के याददाश्त वापस लाएंगे। दादी मना कर देती है, कहती है तुमने डॉक्टर की बात सुनी नहीं, अगर याददाश्त वापस लाने की कोशिश की तो नाहर पूरी याददाश्त जा सकती है। फिर रूही अपने आप को समझाती है, दादी से विनती करती है, अगर नाहर जी मुझे नौकरानी समझते हैं तो कोई बात नहीं, मैं नौकरानी बनकर रहूंगी, घर का सारा काम करूंगी, मुझे घर से मत निकालिए, मैं घर के किसी कोने में रह लूंगी। दादी कहती है ठीक है, तुम नाहर के सामने कभी मत आना, किचन का सारा काम करना और स्टोर रूम में सो जाना, याद रहे तुम्हारे वजह से नाहर को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इधर नाहर अकेले में रूही के बारे में सोचकर काफी रोता है। खाटू श्याम ने हमारे बीच में कैसी दीवार खड़ी कर दी है जिसकी वजह से मैं अग्नि को कुछ कर नहीं सकता और रूही को संभाल भी नहीं सकता। जब तक मेरा बच्चा नहीं आ जाता तब तक रूही को भूलना पड़ेगा। रूही मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसे ही और अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।